हेलो गाइस, वेलकम यू अगेन इन माय ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन। सो इस सब में क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा 1/√2 है एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच में थीटा का वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो कॉस थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो cos थीटा इज 1/√2 कब होता है cos में, जब cos 45 होता है। ओके, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अगर थीटा 45 है सो यहां क्या-क्या चाहिए अपने को, tan, सो tan थीटा विच इज इक्वल टू टेन 45 विच इज इक्वल टू 1, फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 45 विच इज इक्वल टू 1, sec थीटा विच इज इक्वल टू sec 45 विच इज इक्वल टू, sec 45 का वैल्यू क्या है, √2, एंड cosec थीटा मतलब कोसेक 45 इक्वल टू अगेन √2। ओके, सो वैल्यूज क्या हो जाती है, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 माइनस टैन 45 वैल्यू 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस √2। ये 1 गया, तो वी आर रिमेनिंग विद √2 अपॉन √2 व्हिच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये तो था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब क्या होता है कि अगर आपको जो मेथड क्लिक हो जाए, ठीक है ना, वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है जो कभी कभी क्लिक हो जाए बिकॉज ये डायरेक्टली कोई एंगल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बट इन जनरल वे में कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। जनरल मेथड के हिसाब से आपको कॉस थीटा दिया गया है 1/√2। ओके, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू डाल देंगे प्लस इसमें वैल्यू डालेंगे 1/√2 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 minus 1/√2 which is equal to 1/2, so sin theta का value हो जाएगा आपका plus minus 1/√2। okay, अब कैसे पता चले कि इसमें से हम लोग positive ले negative value ले, तो इसे ही हम लोग quadrant system से समझे कैसे, cos theta कब positive हो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो लास्ट क्वाड्रेंट में, ओके, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो लास्ट क्वाड्रेंट में। कंडीशन के हिसाब से थीटा का रेंज 0 से 90, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है। ओके, सो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है क्योंकि यहाँ ही 0 से 90 रेंज है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो we are bound to take positive value which is equal to 1/√2। okay, agar sin theta ka value aa gaya to cosec theta ka value kya hoga, √2। ab cosec theta ka value aa gaya, so dusri trigonometric function hai 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। okay, so 1 plus cot square theta equal to 2, cosec square हो जाएगा 2, तो cot square theta will be equal to 2 minus 1 which is 1। okay, so cot theta will be equal to plus minus 1, but we are bound to take positive value, so cot theta हमारा 1 होगा, cosec √2 आया, cot theta 1 होगा। अगर cot theta 1 है तो tan theta भी 1 होगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
cot आया, tan आया, cosec आया, अब sec की जरूरत। What is sec theta? Sec theta equal to 1 upon cos theta. तो sec theta का वैल्यू हो जाएगा 1 upon cos मतलब root 2. Okay? चार वैल्यू मिल गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 minus tan theta, tan which is 1 plus sec theta root 2 upon 1 minus cot, 1 वैल्यू दी cot की मतलब आई है और cosec की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी root. Therefore this is coming to be 1. Okay, so ये जनरल बताएंगे इस तरीके से, ऐसे टाइप के साथ आप सॉल्व करें. फिर भी आपको कोई भी टाइप के डाउट या कुछ भी डाउट इसमें आए तो डू कम्युनिकेट टू मी, आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.